हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी डॉक्टर आयशा मलिक। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। नाउ आई डिस्कस द टॉपिक ऑफ द कंप्यूटर एंड द टॉपिक नेम इज़ सॉफ्टवेयर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस्ड इट्स डेफिनेशन एंड देन इट्स टाइप्स। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करना मत भूलिएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर? अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू कंप्यूटर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इज़ कॉल्ड सॉफ्टवेयर। अब वो इंस्ट्रक्शंस जो हमने कंप्यूटर को देनी है, वे सॉल्व करो प्रॉब्लम को, उसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। और सॉफ्टवेयर का जो पैरेलल आप कह सकते हैं, इसका सिमिलर जो है वो इसका प्रोग्राम आप कह सकते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर इज़ आल्सो नोन एज प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर को हम प्रोग्राम भी कहते हैं, जैसे मैंने अभी पहले डिस्कस कर दिया। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर स्पेसिफाई आर सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस टू बी परफॉर्म्ड बाय कंप्यूटर। अब कंप्यूटर जो है सॉफ्टवेयर, इसकी स्पेसिफिकिटी ये है कि ये ऑपरेट करता है सीक्वेंस वाइज टू बी परफॉर्म्ड बाय कंप्यूटर, जो भी कंप्यूटर ने परफॉर्म करना है। अब कंप्यूटर वर्क अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन रिटन इन द सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर उसी जो है वो इंस्ट्रक्शन पर वर्कआउट कर देता है जो सॉफ्टवेयर उसे प्रोवाइड करती है या उसे देती है। अगर हम इसके टाइप्स को डिस्कस करेंगे तो इसकी मेनली टू टाइप्स हैं। द मेन टाइप्स ऑफ द सॉफ्टवेयर कंप्यूटर्स आर द सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सिस्टम सॉफ्टवेयर को डिस्कस करेंगे कि ये होता क्या है। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ प्रोग्राम ऑफ कंट्रोल एंड मैनेज द एक्यूरेट ऑपरेशंस ऑफ द कंप्यूटर ए हार्डवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो कहते हैं कि हमारे पास प्रोग्राम का सेट है। जैसे पहले बात बता दी कि सॉफ्टवेयर को हम प्रोग्राम भी कहते हैं, इसी तरह वो कहते हैं कि ये सेट है प्रोग्राम का टू कंट्रोल और मैनेज। ये कंट्रोल करता है और मैनेज करता है एक्चुअल ऑपरेशंस कंप्यूटर हार्डवेयर के। इट कंट्रोल्स द यूजेज एंड एलोकेशंस ऑफ डिफरेंट हार्डवेयर कंपोनेंट्स। इट ये जो है वो ये कंट्रोल भी कर देता है यूजेज एंड एलोकेशंस डिफरेंट हार्डवेयर कंप्यूटर के। इट इनेबल्स एप्लीकेशन प्रोग्राम टू एक्सक्यूटिव प्रॉपरली। ये जो है इनेबल होता है एप्लीकेशन प्रोग्राम के टू एक्यूट प्रॉपरली, कि वो प्रॉपरली वर्कआउट करें। इट कंट्रोल द बेसिक ऑपरेशन एज फॉलो। इसके जो है वो बेसिक ऑपरेशन हैं जो कि उन्होंने बता दिए, मेनली यहाँ पर तीन बताए गए। सेविंग डाटा ऑन डिस्क, डिस्क पे जो है ये डाटा को सेव आउट करते हैं। मेकिंग कंप्यूटर टू वर्क फॉर अस, हम कंप्यूटर को बनाते हैं कि वो इस काबिल बनाते हैं कि हमारे वो काम आ सके। प्रिंटिंग और डॉक्यूमेंट वगैरह, मतलब डॉक्यूमेंट वगैरह को प्रिंट आउट करता है, क्योंकि इसमें जो है वो हार्डवेयर चीज़ की बात की गई, इसलिए यहाँ पे प्रिंटिंग आए। आगे इसकी एग्जांपल्स की हम बात करें तो इसकी थ्री एग्जांपल्स उन्होंने बताई हैं। हमारे पास जो है ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है, यूटिलिटी प्रोग्राम आ जाते हैं, डिवाइस ड्राइवर्स। अब नेक्स्ट इसकी सेकेंड टाइप है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। व्हाट इज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज़ अ प्रोग्राम नीडेड टू परफॉर्म वेरियस एप्लीकेशंस ऑन द कंप्यूटर बाय यूज़र। अब जो एप्लीकेशन प्रोग्राम है वो हमारे पास प्रोग्राम है जिसको ज़रूरत होती है कि हम परफॉर्म करें डिफरेंट एप्लीकेशंस कंप्यूटर पे। तो एप्लीकेशंस का मतलब ये है कि जो हमारे पास है, हमारे मोबाइल्स में यूज़र होती हैं एप्लीकेशंस, लाइक हमारे पास व्हाट्सएप है, मैसेंजर है, ये चीज़ें जो है वो हमारे पास एप्लीकेशंस। इट हेल्प्स अ प्रोग्राम यूज़र टू सॉल्व स्पेसिफिक प्रॉब्लम। ये हमारे पास हेल्प आउट करता है कंप्यूटर को कि हमारे पास स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करें। डिफरेंट सॉफ्टवेयर पैकेज आर यूज ऑन द कंप्यूटर। डिफरेंट पैकेजेस जो सॉफ्टवेयर जो पैकेजेस हैं वो यूज़ किए जाते हैं ताकि हम ऑन कंप्यूटर टू ईज द वर्क को जो है वो ईज कर सकें। द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूजेस द ऑपरेटिंग सिस्टम इन ऑर्डर टू द फंक्शन। अब जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो यूज़ करता है ऑपरेटिंग सिस्टम इन ऑर्डर टू द फंक्शंस। जो हमें फंक्शंस मिलते हैं उन पर जो है वो वर्कआउट करता है। द ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द बेस सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हमारे पास वो बेस सॉफ्टवेयर है। द एप्लीकेशन सिस्टम, द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन्स ऑन द टॉप ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इसकी आगे उन्होंने दो टाइप्स बताई हुई हैं एप्लीकेशंस की। डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर एज़ फॉलो। हम जब एप्लीकेशंस के जस्ट नेम करेंगे, जैसे यहाँ पे हमारे पास पहले बताया गया वर्ड प्रोसेसिंग, नेक्स्ट वाला है हमारे पास है स्प्रेडशीट डेटाबेसिस, फोर्थ वन इज़ ग्राफिसिस एंड द लास्ट एंड द फिफ्थ वन इज़ कम्युनिकेशन सिस्टम। अब जो इनका मेन डिफरेंस है, जो कि हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब जो भी चीज़ के डिफरेंसेस होते हैं वो हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं, ये बात आपने याद रखनी है। तो हम इसके सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में डिफरेंस बताएंगे। तो पहला डिफरेंस इसमें, गेट इज़ जनरली पर्पोज सॉफ्टवेयर।
इट इज़ स्पेसिफिक पर्पज सॉफ्टवेयर, ये स्पेसिफिक होता है, ये जनरली होता है। इट इज़ यूज टू मैनेज कंप्यूटर और रिसोर्सेज, ये जो है वो यूज़ किया जाता है ताकि हमारे पास कंप्यूटर के रिसोर्सेज को मैनेज किया सके या कंट्रोल कर सकें हम। इट यूज टू सॉल्व पार्टिकुलर प्रॉब्लम्स, लेकिन ये पार्टिकुलर जो हमारे पास स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स होती हैं उन पर जो है ये उनको सॉल्व आउट करने के लिए यूज होता है। इट एक्यूट्स ऑल द टाइम्स इन कंप्यूटर्स, इट एक्यूट्स एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जब हमें ज़रूरत होती है तब ये यूज़ किया जाता है। द नंबर ऑफ द सिस्टम, द नंबर ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ लेस दैन द एप्लीकेशन, इसके जो नंबर्स हैं वो लेस होते हैं एज़ कम्पेयर टू द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर्स आर असेंशियल फॉर द कंप्यूटर टू वर्क, ये ज़रूरी होता है कि ये वर्कआउट करे। एप्लीकेशन इज़ नॉट असेंशियल, ये जो है वो असेंशियल नहीं होता कि कंप्यूटर जो है वो वर्कआउट करे। तो यहाँ तक था आज का हमारा टॉपिक। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलें। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप मेरे पास कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।